तरफ बाढ़ आई हुई है, जो लोग तकलीफ उठा रहे हैं वो, और तीसरा खासतौर पर बेंगलोर के ताल्लुक से, बेंगलोर में जो कुछ भी घटना हुई उसके ताल्लुक से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान देवेगौड़ा जी का सीधा सीधा मैसेज है कि जो होना था उसका हम लोग खंडन करते हैं, हमारी पार्टी उसको विरोध करती है और जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सारे बेकसूरों को अरेस्ट किया जाए और जेलों में भर दिया जाए। जो कसूरवार है पुलिस इसकी बराबर इन्वेस्टिगेशन करे और जो कसूरवार है सिर्फ उनको सजा दी जाए, बशक के बेकसूरों को बिल्कुल तकलीफ ना दी जाए। एक अपील श्रीमान देवेगौड़ा जी ने किया और मैं भी वही करना चाहता। ये जो है ये भीड़ है, ये भीड़, इसको भीड़ कहते हैं। सबसे पहले हम इसका खंडन करता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ, लेकिन ये भीड़ एक बेखौफ जो कानून की कोई एहतराम नहीं करते, ऐसी एक भीड़ है। इस भीड़ का मॉडल हमारे उत्तर भारत से शुरू हुआ है, मॉब लिंचिंग के तरीके से जो बताया गया है ये उसी का एक मॉडल की तरीके से एक लोग भड़क के किए, जो कुछ भी किए, जो सजावार था, जो कसूरवार था उसको सजा होना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी बेकसूरों के साथ में जो किया गया है, ये घर तोड़ना, ये जलाना, ये सब, ये आगजनी करना, ये सब सही नहीं है, ये गलत है, इसका मैं खिलाफ एक भीड़ कहता हूँ, एक मॉब कहता हूँ, जिसको रास्ता बताने वाला कोई भी नहीं है, इसकी कोई लीडरशिप नहीं हो सकती ऐसी जहालत की। इतने लोगों की कोई भी पार्टी की, कोई भी सियासी पार्टी की ऐसी लीडरशिप नहीं हो सकती कि किसका घर, कोई MLA का घर जला दे। आज उनका घर जलता है तो कल को किसी और की बारी आएगी, परसों किसी और की बारी आएगी। और जहाँ तक ये लोग बात कर रहे कि ये केस CBI को रेफर करो, इसका भी मैं विरोध करता हूँ। मेरी मैंटेलिटी डिफरेंट है, मैं इसलिए विरोध करता हूँ कि कर्नाटका पुलिस पर हमको भरोसा रहना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो BJP, चाहे वो कोई भी पार्टी का क्यों नहीं हो, उनको कर्नाटका पुलिस के ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर कर्नाटका सरकार ये सारे एक्यूज को पकड़ने में फेल होती है, नाकाम होती है, तो तुम CBI को रेफर करो। फ्रॉम द बिगिनिंग यू आर आस्किंग टू रेफर टू द CBI, क्या मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब क्या कर्नाटका पुलिस निकम्मी है? नहीं, कर्नाटका पुलिस में वो है, वो लोग करेंगे, इंतज़ार करें, इंतज़ार करके देखें कि कर्नाटका पुलिस क्या कर रही है। तीन लोग जो फायरिंग में मरे हैं जी बता रहे हैं कि बेकसूर हैं, आपको आगे बढ़ के आना चाहिए कम से कम। भले माना कि सरकार ने जख्म ना दी है, लेकिन जानते हैं कि जख्म हुआ है तो मलम लगाने का काम तो सरकार को ही करना है, और कौन करेगा। मैं भी इन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो लोग हैं उनको कंपोजिशन दी जाए, जितना है इसको मिनिमाइज, करप्ट इन्वेस्टिगेशन करके ओनली क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दिया जाए, बेकसूरों को पनिश ना किया जाए। जो बेकसूर खून जो पुलिस फायरिंग से मारे गए या जख्मी हो गए, ये तीन जानों का जिम्मेदार भी वही कहलाता है, और ये सारा जो कार्यक्रम जितना भी बना इसका जिम्मेदार वो है। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशल सेल जो है हमारे, क्या कहते हैं वो, IT सेल, वो अलर्ट रहना चाहिए। वो स्पेशली जब ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट्स करता है, नेगेटिव व्हाट्सएप देता है, एक नेगेटिव मैसेज देता है, तो उसको इमीडिएट अरेस्ट कर देते हैं, तो बात खत्म होती है। ये अरेस्ट नहीं करने की वजह से तो बात बिगड़ गई। तो इसके लिए जो IT सेल है वो लोग को इसके मतलब स्पेशली क्या बोलते हैं साइबर क्राइम का एक सेक्शन होता है पुलिस में, वो लोग स्पेशल नज़र रखे रहना चाहिए। ऐसे लोगों को इमीडिएट पकड़ के अगर दबोच देते हैं तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। जाती है गुनहगारों को सज़ा दी जाए, बेगुनाहों की तैदाद ना बढ़ाएं, उन लोगों को हरेस ना करें। ये हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है पार्टी की ओर से और मेरी ओर से।